कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के लगभग 15 स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम की धमकी वाले ईमेल मिले हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि प्रशासन ने सभी स्कूलों को खाली करने का आदेश दे दिया, लेकिन उन्हें संदेह है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा मेल किया है। फिलहाल सभी संभावनाओं को खारिज करने से पहले पूरी जाँच की जा रही है। कई स्कूलों के पास बम स्क्वाड की टीम जाँच में जुट गई है। डिप्टी सीएम ने भी इस खबर की जानकारी मिलने के तुरंत बाद एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मैं टीवी देख रहा था, मेरे घर के सामने वाले स्कूल को भी एक धमकी भरा मेल मिला। मैं जांच करने के लिए यहां आया। अब तक ये एक धमकी भरा कॉल ही लग रहा है, लेकिन हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। इंक्लूडिंग फ्रंट ऑफ माय हाउस एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस इन बैंगलोर वी कुड सी सम ईमेल आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स माय क्राइम डिपार्टमेंट साइबर क्राइम डिपार्टमेंट विल ट्रैप इट Trap them. It is a hoax call where all this type of issues will happen. But I appeal to all the parents of Bangalore to be very safe. We have a good system. No parent should be in panic. वहीं पुलिस ने बताया कि स्कूल अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को इस मेल की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस बम निरोधक दस्तों और तोड़फोड़ रोधी जांच टीमों के साथ संबंधित संस्थानों में पहुंची। पुलिस ने कहा कि छात्रों और कर्मचारियों को तुरंत स्कूल परिसर से बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। जैसे ही माता पिता को घटना के बारे में पता चला, वो तुरंत अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल में पहुंच गए।